श्री राधे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल भक्ति भजन प्रोडक्शन में स्वागत है। मैं विजेंद्र आज आपके लिए एक और प्यारी सी छोटी सी कहानी लेके आया हूँ कि हम बात तो करते हैं अपने देश की, देशभक्ति की, लेकिन वो कैसी होती है। स्वामी विवेकानंद जी की घटना है। स्वामी विवेकानंद जी उन दिनों एक देश से दूसरे देश की यात्रा पर घूम रहे थे। इसी बीच वे जापान की यात्रा पर गए। जापान के अनेक स्थानों का भ्रमण स्वामी जी ने किया। एक दिन वे ट्रेन में बैठकर जापान के किसी शहर में जा रहे थे। रास्ते में उनकी इच्छा हुई कि फलाहार किया जाए। उन्होंने बीच के अनेक स्टेशनों पर फलों की खोज की, लेकिन कहीं भी फल नहीं मिले। स्वामी जी थोड़े से निराश हो गए और उनके मुंह से अनायास ये निकल पड़ा कि अरे, ये कैसा देश है, यहाँ फल भी नहीं मिलते। ये बात उनके पास बैठे एक जापानी युवक ने सुन ली। उसे बड़ा बुरा लगा। वो जानता था कि फल कहाँ मिलते हैं। अगले स्टेशन पे वो उतरा है और स्वामी जी के लिए ढेर सारे फल लेके आया। उसने अत्यंत स्नेह से वे फल स्वामी जी को भेंट किए। स्वामी जी ने उसे हृदय से धन्यवाद दिया और फलों के दाम पूछे, लेकिन युवक ने उत्तर नहीं दिया। तो स्वामी जी ने उससे कहा, देखो भाई, संकोच न करो, तुम इनकी कीमत चुकाए बगैर तो इन्हें लाए नहीं हो, तुमने पैसे तो दिए हैं, इसलिए बेझिझक होकर इनकी कीमत बता दो, वरना इन फलों का सेवन करना मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तब युवक ने बड़े ही प्रेम से, बड़ी ही विनम्रता से कहा, स्वामी जी, इसका मूल्य ये है कि आप अपने देश में जाके ये ना कहना कि मेरे देश जापान में फल नहीं मिलते। ये सुनकर स्वामी जी जापानी युवक की देशभक्ति के कायल हो गए। कथा का सार ये है कि अपने देश की प्रतिष्ठा को किसी भी रूप में रक्षा करना ही देशभक्ति है, जो प्रत्येक नागरिक का परम दायित्व है। तो ये कथा कल्याण पुस्तक में आई, जो श्रीमती अनीता कुमावत जी ने भेजी, मैं आपके लिए लेके आया। आगे भी कुछ कथा कहानियाँ किस्से प्रसंग आप तक लाता रहूँगा। अगर आपको कहानियाँ पसंद आती हैं तो आप इन्हें लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल भक्ति भजन प्रोडक्शन को सब्सक्राइब करें। चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको हमारे आगे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। श्री राधे।